नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, आज चुनावी खबरों के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। UP SSC जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, जिसके माध्यम से रोज़गार मिलते हैं, लेखपाल हो, विकास अधिकारी हो, VDO हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं सब UP SSC के माध्यम से होते हैं। आज खबर निकल के आ रही है कि UP SSC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ दिन बाद 22 और 23 तारीख को VDO का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी उसके तुरंत पहले इस्तीफा जो दे दिया है पालीवाल साहब ने, तो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। तो देख लेते पूरी खबर क्या है। अमर उजाला की खबर है ये आज की, तो हेडलाइन यही है, UP SSC अध्यक्ष CB पालीवाल ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। UP SSC, अब देख लेते हैं आगे क्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष चंद्रभूषण पालीवाल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा। सूत्रों के अनुसार पालीवाल ने निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही। वहीं पालीवाल ने खुद भी मामले की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि पालीवाल एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और जब प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी तो उनके सचिव रहे हैं। अब निजी कारण का हवाला दिया है। निजी कारण कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा कारण हो तो निजी कारण ही सामने आता है। अभी उर्जित पटेल जो RBI गवर्नर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि निजी कारण है। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा है कि निजी कारण है। अब आने वाले समय में VDO का एग्ज़ाम भी होना है। अब क्या होता है तो अब देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि VDO एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है समय, बहुत ही 10-12 दिन बचे हैं। अब उसके बाद अब अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया है। अब क्या होगा, क्वेश्चन तो उठना लाजमी है। अब देखते हैं, जैसे भी आपकी अपडेट होगी आपको तुरंत बताया जाएगा हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खबर तो अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें, खबर है आज हम लोगों के लिए जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा रोज़गार प्रदाता है UP SSC, सबसे बड़ा आयोग है। अब उसी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है एग्ज़ाम के ठीक पहले। काफ़ी एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आना बाकी है और आने वाले समय में जैसे लेखपाल की वैकेंसी आने की संभावना है, तो अब दोबारा गठित होगा, हो सकता है एग्ज़ाम लेट हो। लेकिन VDO तो एग्ज़ाम नहीं लगता कि अब लेट होगा, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में क्या फ़र्क पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा, आने वाले वक्त ही बताएगा। पालीवाल साहब, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, यही पालीवाल साहब, चंद्रभूषण पालीवाल साहब हैं ये। इन्होंने आज निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। यही खबर है दोस्तों, आपको बतानी थी। देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी आगे की खबर होगी आपको बताएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।